हेलो गाइस, मैं हूँ हरियम अग्रवाल और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सोनेट HTX डीजल का फुल ड्राइव एक्सपीरियंस। ये 1.5 लीटर का डीजल इंजन है ह्यूंडई की तरफ से 1500 सीसी का, ठीक है, जो कि 240 NM का टॉर्क देता है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है, ठीक है। इसका अगर आपको फुल वॉक अराउंड चाहिए तो वो मैंने बहुत पहले डाला था अपने चैनल की स्टार्टिंग में डाला था, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो इसको आज चला के देखते हैं और ये देखते हैं कि मतलब ये ह्यूंडई के पेट्रोल इंजन से जो है, ह्यूंडई किया का पेट्रोल डीजल दोनों सेम ही इंजन आते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब कि ये पेट्रोल इंजन से तो ज़्यादा पावर होगी ऑफ कोर्स, लेकिन ये मतलब कि कैसा है चलाने में वो मैं आज पूरा बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई अब गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ आप देख लो, ये ह्यूंडई का जो डीजल इंजन है थोड़ी सी आवाज़ कर रहा है, ठीक है। डीजल इंजन में तो यार थोड़ी बहुत अंदर आवाज़ आती भी है, लेकिन वैसे ठीक है। अगर महिंद्रा का अगर आप देखोगे ना, तो उसको तो ऐसे ही लगता है कि ट्रक स्टार्ट कर रहे हो, उसमें कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आती है। यहाँ पर अगर आपको देखना है तो 6000 मार्किंग है इसमें, 6000 RPM तक। और चलो अब इसको चलाते हैं, पहले ड्राइविंग सीट को एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो ये गाड़ी भी भाई पुलकित की है, तो भाई के पास एक वरना भी है, वरना डीजल, ठीक है। वो ऑटोमेटिक है जो टॉक कन्वर्टर के साथ आती है, उसकी भी अपनी रीसेंट वीडियो देखी होगी। तो इस गाड़ी को अब चला के देखते हैं पहले, ठीक है। पहला गियर लगा दिया, इसमें 6 गियर आ रहे हैं, रिवर्स गियर उसमें ऊपर करके डलता है। तो अब चलो इस खींच के देखते हैं। तो यार अभी भी मतलब कि अगर मार्केट में देखोगे ना, HTX डीजल जो है सोनेट का, वो बहुत वैल्यू फॉर मनी है। अगर 11.5 लाख में आपको सनरूफ तक मिल रही है, ठीक है। इसमें अब पहले अलॉय व्हील्स नहीं आ रहे थे, लेकिन अब अलॉय व्हील्स भी ऐड कर दिए हैं किया ने, जिनको नहीं पता। और रियर के सनशेड भी ऐड कर दिए, जो वो ऊपर ऐसे करने वाले नहीं आते, वो वाले भी ऐड कर दिए हैं। तो यार वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है इस गाड़ी में। वैसे आफ्टर मार्केट अलॉयज लगे हुए हैं। वैसे माइलेज क्या आती है इसकी? माइलेज 18-20 की आ जाती है ये अलॉयज डलवाने के बाद, या फिर अलॉयज डलवाने के बाद? तो यार बहुत बढ़िया माइलेज आ रही है। अगर 17 इंच के अलॉय व्हील्स डाल रखे हैं, इसमें लो प्रोफाइल है ना? नहीं, नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोफाइल के साथ है। तो भाई अभी चलाने में तो यार देखो, तीसरे गियर में है और तीसरे गियर में भी उठ गई है गाड़ी, 30 की स्पीड पे ही उठ गई। यहाँ पर अगर आप देखोगे, पेट्रोल इंजन होता है ना तो वो मर जाता है यार, मतलब पंजा दबाते ही उसमें बहुत ज़्यादा लैग आता है। अगर पावर की डिलीवरी की आप बात करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इसमें लैग आ जाता है। बाकी यार ड्राइव एक्सपीरियंस में इसमें आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, इसलिए धचकियों का तो मैं इतना नहीं बता पाऊंगा। देखते हैं, वैसे खींच के देखो यार, दूसरे गियर में देखो यार, एकदम से ही पावर पकड़ रही है। और तीसरा गियर भी अगर मैंने लगाया है ना, ये देखो कितना तेज यार, पिकअप बहुत बढ़िया लगा मुझे गाड़ी का। वैसे डीजल इंजन का तो यार मजा अलग ही है, वैसे है पेट्रोल के ऊपर। पेट्रोल भले ही सस्ता जरूर पड़ता है, 1 लाख रुपए के आसपास सस्ता पड़ जाता है, लेकिन जो डीजल गाड़ी का सुख है ना, वो अलग ही है, चलाने में अलग ही मजा आता है। यहाँ पर अभी ब्रेकिंग की बात करें तो एक बार ये 50 की स्पीड से ब्रेक, तो यार मतलब थोड़ा सा टाइट लगा मुझे पेडल इसका। इसकी सर्विस कितने में हुई थी वैसे? तो फ्री सर्विस ही होती, तो 5000 पे भी इसकी, अच्छा 10000 पे अभी होनी है मतलब इसकी तीसरी सर्विस। तो उसमें कुछ इंजन पे फर्क पड़ेगा या फिर नहीं, वो तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, उसके बाद देख लेंगे वो तो, ठीक है। अभी मैं अगर बताऊँ, तीसरा गियर यार पावरफुल तो काफी ज्यादा है इसका भाई। और चलाने में मतलब अगर मैं बताऊँ ना, ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से तो बोनेट इसका काफी दिख जाता है। मतलब अगर मैं अपने इसको थोड़ी सीट को थोड़ा और ऊपर कर लूंगा ना, तो बोनेट इसका दिखता ही है, पूरा का पूरा एंड टू एंड दिखता है। और इतना अंदाजा लग जाता है, इतना इसमें ब्लाइंड स्पॉट वगैरह भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसका ए पिलर इतना मोटा नहीं है, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट इतना बड़ा नहीं बनता है। और इसके ORVM भी जो दे रखे हैं वो काफ़ी बड़े टाइप के दे रखे हैं, तो मतलब ठीक ठाक आपको व्यू मिल जाता है। और IRVM भी ऐसा ही मतलब ऑटो डिमिंग के साथ आता है, लेकिन बढ़िया है इसका, ठीक है। बाकी अगर मैं ये थोड़ा बहुत स्पीड ब्रेकरों का बताऊँ, तो यार आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, इसलिए इतना बता नहीं सकता वैसे, लेकिन ठीक है, इतना मतलब निकल जाती है गाड़ी, इतना ज़्यादा पता नहीं लगता लगे। लेकिन जब पीछे बैठते हैं लोग, तब ज़रूर अलॉय व्हील से टच है, थोड़ा मतलब फेंडर टच हो जाता है ना, पहले नहीं होता होगा, मतलब थोड़ा बहुत झटकों में ज़्यादा फर्क पड़ा या फिर थोड़ा बहुत सही पड़ा? हल्का ही सही। तो यार अभी यहाँ पर तीसरे गियर में ये खुली रोड है एकदम, यहाँ पर देखते हैं आगे पुलिस वाले भी बैठे हैं, यार पुलिस वाले पार हो गए यहाँ पर भाई। चलो यहाँ पे वैसे यार रोड भी अब खत्म ही हो गई
पुलिस वाले बिल्कुल बीच में लगा के बैठे हैं कि भाई अपने खाली रोड कोई छोड़नी ही नहीं है, जहाँ खाली होगी ना वहां पे स्पीड ब्रेकर बना देंगे। तो देखते हैं यार कहीं खाली रोड ढूंढ के। तो भाई यहाँ पर ये खाली रोड मिल चुकी है हमें, तो इस पे थोड़ा सा और खींचने का ट्राई करते हैं। यार दूसरे गियर में भी मतलब खींच जाती है, अच्छी खासी खींच भाई। इस गाड़ी में ना मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको किसी भी पॉइंट पे, अगर आप कोई सा भी गियर डालोगे, अभी तक मैंने चौथे गियर तक डाला है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब कहीं पर पांचवा भी अगर मैं डाल रहा हूँ तो पावर का लैग है। मतलब डिलीवर इसमें काफ़ी अच्छे से हो रही है। इसका मैंने ऑटोमेटिक भी चला रखा है, तो उसमें भी ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा किसी भी RPM पे कि मतलब गाड़ी में ना ऐसा अंडर पावर सी फील हो रही है या फिर पंजा दबाने पे भग नहीं रही है। आपको ओवरटेक लेना है ना तो आप सिंगल गियर में, मतलब जिस गियर में आप हो उसमें आप ले सकते हो, बहुत आराम से ले सकते हो। और इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पंजा दबाया और मतलब आपकी गाड़ी पीछे रह गई, या फिर आपको गियर डाउन करने की ज़रूरत जो पड़ती है ना पेट्रोल इंजन में, वो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 240 Nm का जो टॉर्क है इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें इनफ है, मतलब गाड़ी चलाने के लिए एडिक्वेट है। और बाकी यार तो भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना ब्रेकिंग की, इसकी अगर मैं बात करूँ तो यार देखो मैं 50-60 की स्पीड पे अगर मैं ब्रेक ले रहा हूँ तो इतना हार्ड मैं वैसे प्रेस नहीं कर रहा, क्योंकि यार एकदम से पीछे आता हुआ ट्रैफिक भी मतलब आ रहा है, थोड़ा बहुत सा आ रहा है, तो इसलिए मैं इतना ट्राई नहीं करना चाहता। लेकिन ब्रेक इसके ठीक है यार, मतलब i20 के मुझे ज़्यादा पसंद है, किया के मुझे इतने पसंद नहीं आए। सोनेट डीजल की पावर के हिसाब से यार पीछे भी इसमें ड्रम ब्रेक दे रखे हैं। HTX में कम से कम इसमें रेयर डिस्क देनी चाहिए थी, क्योंकि यार 11.5 में HTX एक टॉप से नीचे ही होता है, बस एक ही नीचे होता है, तो उसमें इनको वो डिस्क ब्रेक दे देनी चाहिए थी, ड्रम नहीं देना चाहिए था। डीजल इंजन की पावर के हिसाब से ड्रम ब्रेक इतने इफेक्टिव नहीं लगते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो 2000 के ऊपर जो है ना आपको थोड़ी बहुत अंदर रेविंग की नॉइज़ आएगी इंजन की। यहाँ पर अगर आप देखोगे 2000 के ऊपर जाते ही इसमें थोड़ी सी इंजन की नॉइज़ आ रही है, और इस गाड़ी को लगभग एक साल होने वाला है, मतलब 2-3 महीने में हो जाएगा। तो उस हिसाब से यार गाड़ी में वैसे रैटलिंग नॉइज़ जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है एकदम। और तो भाई मतलब कि प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह ये सब तो यार किया की आपको पता ही है, ह्यूंडई की या दोनों की सेम ही रहेगी, तो इतने इस पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। ठीक है यार, लेकिन इसको इम्प्रूव कर सकती है किया और ह्यूंडई, दोनों ही इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी गाड़ियों में इतने इतने पैसे लेके भी। तो यार बाकी तो अगर मैं बात करूँ, इसका हॉर्न भी जो है काफ़ी पसंद है मुझे, मैं अपनी गाड़ी में लगाने वाला हूँ, ऑर्डर कर रखा है, ये आप सुन सकते हो। ठीक है, और यार इसमें बैठे हुए ना ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई बड़ी गाड़ी चला रहे हो, थोड़ी सी बड़ी गाड़ी चला रहे हो, इतनी छोटी गाड़ी ये महसूस नहीं होती। बाहर से अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी छोटी ज़रूर लगेगी, लेकिन यार जहाँ पर मतलब कि i20 का टॉप मॉडल जा रहा है ना, अगर 13-13.5 लाख ऐसे जा रहा है, वहाँ पे किया का HTX डीजल यार बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर मैं अपने टर्म्स में बताऊँ तो एक बार ही आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए, डीजल इंजन आपको मिल जाएगा किया से, मतलब ह्यूंडई की i20 से सस्ता मिलेगा, और वो भी। स्टीयरिंग का अगर मैं रिस्पॉन्स बताऊँ ना, यहाँ पर स्टीयरिंग यार मतलब ठीक ठाक है, आपको इतना भी हैवी नहीं लगेगा ना ही इतना लाइट लगेगा। डीजल इंजन के हिसाब से यार थोड़ा सा मतलब जो हैवी रहता है ना, मैंने स्कॉर्पियो चलाने की आदत है यार, तो मतलब उसका कुछ ज़्यादा ही हैवी है, तो उस हिसाब से तो यार बहुत ही लाइट है। बाकी रिस्पॉन्सिव तो ये पूरा है। अगर यहाँ पर अब ये आप देखोगे तो गाड़ी झूल रही है, अगर मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा हूँ स्टीयरिंग को। टर्निंग रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ये टर्निंग रेडियस ले रही है। ठीक है, पूरा मतलब स्टीयरिंग व्हील काट रखा था मैंने। और दूसरा गियर यार देखो, दूसरे गियर में ये उठ गई है भाई, 10 की स्पीड से उठ गई है। इतनी ना मतलब i20 उठती नहीं है, i20 तो बिल्कुल बैठ ही जाती बल्कि, और मतलब कि बंद और हो जाता है उसका इंजन। तो यार पेट्रोल इंजन लेने का यही मतलब कि एक डिसएडवांटेज लगता है मुझे, उसमें बिल्कुल पावर नहीं मिलती है मुझे, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल उसमें ऐसा लगता है कि पता ही नहीं यार इसको मतलब खींच कैसे रहूँ मैं। ठीक है, एसी की पोजीशनिंग की अगर मैं बात करूँ तो यार इसका एसी वेंट्स भी मतलब ठीक ठाक पोजीशन है। ये वाला जो बीच का पार्ट है ये आज भी मुझे मतलब कि जैसे जीप कंपस ने अपडेट कर दिया ना, पूरा डैशबोर्ड ही बदल दिया, वैसे ही किया को भी सोचना चाहिए सोनेट के लिए, क्योंकि ये पार्ट काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया। सनरूफ का अगर मैं इसका यूज़ बताऊँ तो ये देखो हेडरूम कितना बच रहा है। तो यार इसमें सनरूफ का यार पूरा पूरा यूज़ कोई कर सकता है। ह्यूंडई जहाँ पर मतलब कि i20 वरना इन सब गाड़ियों में दे रही है ना इतने पैसे चार्ज करने के बाद, तो उसमें यार मतलब पूरा यूज़ नहीं कर सकता कोई सनरूफ का, तो उसमें यार कोई खड़ा भी नहीं हो सकता वैसे उस सनरूफ में, इतनी ज़्यादा छोटी होती है, उसका हेडरूम भी इतना कम होता है। तो यार ओवरऑल किया सोनेट जो है ना मतलब मुझे उनके लिए लगी, मतलब डीजल में मैं बता रहा हूँ,
अगर आप देखोगे i20 के ऊपर, तो यार किया सोनेट एक बार ही आप जरूर चला के जरूर देखना, ठीक है, डीजल इंजन ही चलाना, ये आपको उससे सस्ता पड़ेगा और मतलब कि इसमें फीचर रिच HTX वेरिएंट पड़ेगा, ठीक है, उसमें LED हेडलाइट, अलॉय व्हील्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, तो वो यार सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है आज की डेट में। अगर मैं बताऊँ 11.5 लाख में आपको मिल जाएगा हरियाणा में गुड़गांव में, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज कर देना, अगर हो सका तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।